हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ, सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक या टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl को जब हम वॉटर में डिजोल्व करेंगे तो हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वॉटर क्या बनाएगा, NaOH प्लस HCl। आप देख सकते हैं Na प्लस है, Cl माइनस है, वॉटर में H प्लस है और OH माइनस है, तो Na प्लस OH से रिएक्ट करेगा, देन इट फॉर्म NaOH और H प्लस सॉरी Cl माइनस H प्लस से कंबाइन होगा एंड इट विल फॉर्म HCl। नाउ स्टूडेंट, NaOH जो है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जब पानी में तुम नमक डालोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन जो है इनका, एक्वस सॉल्यूशन, वो न्यूट्रल है यानी पीएच 7 मेंटेन करेगा। क्लियर स्टूडेंट? अब NaCl बनेगा कैसे, तो उसका जो सोर्स है वो है सी वॉटर यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन। अब सी वॉटर समुद्र का पानी, उसमें नमक बहुत ज्यादा है ना, तो हमें नमक बनाना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, नमक को बाहर निकालना है। क्लियर स्टूडेंट? हमें कहते हैं ना सांबर झील है जैसे राजस्थान में, वहां क्या है, सी सॉल्टी लेक है ना, सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो हमें किसी भी तरीके से उसको प्रिपेयर नहीं करना है, हमें सिर्फ सी वॉटर ब्राइन सॉल्यूशन को इवेपोरेट करना है, उसका सारा जब हम पानी उड़ा देंगे तो सॉल्ट बच जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वॉटर दैट इज ब्राइन सोल्यूशन। अब जब आपको सॉल्ट मिलने लगेगा तो लास्ट में आप देखेंगे इसमें इम्प्योरिटीज भी हैं। अब वो इम्प्योरिटी है कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की। अब इन इम्प्योरिटीज को कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स इन दोनों इम्प्योरिटीज की वॉटर के प्रति एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये पानी में घुले ही रहते हैं। सॉल्ट एक बार प्रेसिपिटेट हो जाएगा लेकिन ये दोनों प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को बाहर निकालने के लिए हम सॉल्ट का जो लास्ट में सॉल्यूशन बचेगा उसमें HCl गैस पास करेंगे। अब HCl गैस क्या करेगी, NaCl को प्रेसिपिटेट कर देगी और ये दोनों इम्प्योरिटीज जो है वो वाटर में रह जाएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सो NaCl इज प्रेसिपिटेटेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम रेजिड्यू बाय फिल्ट्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl, तो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम देखते हैं व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ना स्टूडेंट्स, हम वॉटर में डालते हैं तो ये डिसॉल्व होता है, मेल्ट नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड स्टेट से कहां आ जाना, लिक्विड स्टेट में आना। तो हम देखते हैं वॉटर में डिसॉल्व होता है, अगर आप इसको डायरेक्टली हीट करेंगे तो ये कभी भी मेल्ट नहीं होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर 1081 केल्विन जो है अप्रोक्सीमेटली इसका मेल्टिंग पॉइंट है। So, it is white crystalline solid, high melting point and highly soluble in water. अब sodium chloride का use क्या है, तो हम as a table salt इसको food में use करते हैं। अब बहुत बार आप देखते हो जो fruits वगैरह होते हैं उसके ऊपर नमक डाल के रखते हैं, तो ये as a food preservative भी काम आता है। फिर prepare freezing mixture, है ना, अगर आप पानी बर्फ में क्या करेंगे, नमक डाल देंगे तो उसका जो मेल्ट होना है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो उसका स्लो कर देता है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर वाले टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं हो पाता है, तो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में हम सॉल्ट को यूज करते हैं। फिर एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनाना चाहते हैं और NaHCO3 बनाना चाहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपको NaCl यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। अब NaOH कैसे बनेगा, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दो, यानी NaCl भी है और वाटर भी है, तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास कर दो, मींस उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। और स्टूडेंट्स रिएक्शंस क्या बनेंगी, तो जब हम NaCl में करंट पास करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, सिमिलरली एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी में भी करंट आएगा, तो वॉटर में करंट पास करेंगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस H प्लस
एंड OH माइनस। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो प्लस वाली स्पीशीज है उसे हम कहते हैं कैटायन और जो माइनस वाली स्पीशीज है उसे हम कहते हैं एनायन। अब कैटायन का काम है कैथोड पे जाना और एनायन का काम है एनोड की तरफ मूव करना। नाउ एनोड, तो एनोड वो इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूज होते हैं। तो आपको लगेगा मैंने यहां सीएल माइनस लिखा है ना, आपको ये लगेगा कि माइनस तो OH भी है, तो सीएल माइनस OH माइनस दोनों ही क्या करेंगे, दोनों एनोड पे पहुंच जाएंगे। अब इन दोनों में फाइट होगा भी ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जिसका एसओपी है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिसका एसओपी जिसका एसओपी ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जिसका एसओपी कम होगा वो बाद में ऑक्सीडाइज होगा। तो आपको फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि सीएल माइनस और OH माइनस बोथ आर एनायन, बोथ मूव टूवर्ड्स एनोड। अब दोनों में कॉम्पिटिशन है कि ऑक्सीडेशन हो जाए, तो सीएल माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा है ना, तो सीएल माइनस से इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी है एज कंपेयर टू OH माइनस से। तो सीएल माइनस क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ट्वाइस है, तो दूसरा सीएल माइनस में क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। और आपको जो स्पीशीज मिलेगी दैट इज सीएल डॉट है ना और सीएल डॉट, तो ये सीएल डॉट मिलकर क्या बना लेंगे, सीएल टू क्लोरीन। तो एट एनोड क्या होगा, तो हम कहेंगे क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। सिमिलरली एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन जाएगा, तो हम कहेंगे कैटायन। अब कैटायन आपके पास दो है, एच प्लस भी है एनए प्लस भी है। अब आपको लग रहा है कि फिर हमने यहाँ एच प्लस लिखा है एनए प्लस नहीं लिखा है, तो वही बात है कि एच प्लस का एसआरपी एनए प्लस से क्या है, ज्यादा है ना, और एसआरपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। यहां फिर आप ऐसे ध्यान रखो कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन क्या है, कम रिएक्टिव है, तो जो कम रिएक्टिव है वो फटाफट अपनी गैस बना के उड़ जाएगा और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो आयन फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। तो H प्लस से इलेक्ट्रॉन गेन करना, H प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन करना और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना मोर इजियर एज कंपेयर टू सोडियम प्लस। क्लियर स्टूडेंट, तो हम देखेंगे सोडियम प्लस वही रह जाएगा सॉल्यूशन में और एच प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे ट्वाइस एच आयन और बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि सीएल माइनस तो क्लोरीन गैस बना के इवॉल्व हो गया, एनोड पे क्लोरीन गैस निकली, एच प्लस हाइड्रोजन बना के इवॉल्व हो गया, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकली और सॉल्यूशन के अंदर जो बचा है वो है एनए प्लस एंड OH माइनस। तो बोथ एनए प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन होके एनए OH बना लेंगे। सो स्टूडेंट्स ऑन इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड रिमेनिंग एनए प्लस एंड OH माइनस आयन्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म एनए OH। क्लियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन में रिमेनिंग क्या था, एनए प्लस था और OH माइनस था, तो ये दोनों मिक्स होके क्या बना लेंगे, एनए OH। आप चाहे तो डायरेक्ट फाइनल रिएक्शन लिख सकते हैं ट्वाइस NaCl प्लस ट्वाइस H2O, इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो H2O से तो क्या बनी थी, हाइड्रोजन गैस बन गई थी, NaCl से क्या बना था, क्लोरीन गैस बन गया था और रिमेनिंग NaOH। क्लियर स्टूडेंट्स, ये फाइनल इक्वेशन। नाउ प्रॉपर्टीज, तो कॉस्टिक सोडा भी क्या होता है, व्हाइट होता है, सॉलिड होता है और सोपी मतलब सोप जैसा होता है ना, सोप साबुन जैसे चिकना होता है इस तरह से होता है। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट नमक से तो कम है ना, वहां हमने देखा था 1081 कैलोरी, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है 519 कैलोरी। नाउ इट इज हाईली सॉल्युबल इन वॉटर सिंस इट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वॉटर टू गिव एनए प्लस एंड OH माइनस आयन्स, सो इट इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो एनए OH वॉटर में जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एनए प्लस और OH माइनस है ना, तो जो OH आयन देता है वो क्या होता है, बेस। और कंप्लीटली आयोनाइज मतलब ये जितने भी OH आयन है सारे OH आयन सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, सारे OH आयन दे देता है, तो ये क्या माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ स्टूडेंट्स क्रिस्टल्स ऑफ NaOH आर डेली क्विसेंट इन नेचर। डेली क्विसेंट मतलब कि अगर आपने NaOH को रख दिया हवा में तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा है ना, और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके कैसा गीला हो जाता है, हल्का सा है ना, वैसा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि डेली क्विसेंट है या हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब हवा से नमी ले लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम एयर।
अब इसका यूज क्या है, तो कॉस्टिक सोडा, आपको पता है सोप बनाने के लिए सबसे ज्यादा हमें जो मटेरियल चाहिए वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। सिमिलरली इसको पेपर और सिल्क इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी इसका यूज होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। अब जो स्ट्रक्चर है तो देखो, Ca मतलब कैल्शियम, कैल्शियम की दो वैलेंसी होती, प्लस का दो चार्ज होता है कैल्शियम पे। अब CaOCl2 में एक क्लोरीन तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, दूसरा जो है क्लोरीन वो कैल्शियम से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कैल्शियम बॉन्डेड विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बॉन्डेड विद Cl। तो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम क्लोरो एंड OCl को हम बोलते हैं हाइपोक्लोराइट, क्योंकि ये हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl। अब जब ये एसिड दे देगा जब ये एच आयन दे देगा एच प्लस, तो OCl माइनस आयन क्या है, हाइपोक्लोराइट आयन। तो इसका केमिकल नेम क्या हुआ, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट आयन हमें हाइपोक्लोरस एसिड से मिल रहा है इसलिए। अब जनरल लैंग्वेज में हम इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर आपको बनाना कैसे, प्रोड्यूस कैसे करना है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राइड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम आप समझ गए, चूना है ना, और चूने में वाटर मिक्स होना चाहिए, तो स्लेक्ड लाइम उसको थोड़ा सुखा देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, एक तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड वो आपका होता है क्विक लाइम, एक होता है उसी कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला दो तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइम, ठीक है। लेकिन उसको थोड़ा ड्राई करके उसमें हम क्लोरीन गैस पास कर देंगे। अब जब आप स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस पास करेंगे तो आप क्या देखेंगे, ये वाटर एलिमिनेट हो जाए, तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज CaOCl2 प्लस वाटर। तो CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू स्लेक्ड लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर येलो कलर्ड का सॉलिड सब्सटेंस है और इसकी स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेल, क्योंकि ये क्या करता है, लगातार क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व करता है और क्लोरीन गैस की जो स्मॉल होती है दैट इज पंजेंट, है ना, थोड़ी सी तीखी होती है ना, इरिटेटिंग स्मेल होती है। नाउ ब्लीचिंग पाउडर इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, क्लियर। नाउ रिलीजेस, ब्लीचिंग पाउडर रिलीजेस क्लोरीन गैस व्हेन प्लेस्ड ओपन इन एयर, दिस क्लोरीन इज कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन एंड इट डिसाइड्स क्वालिटी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ देते हैं तो ये क्लोरीन गैस छोड़ता है, अब यही क्लोरीन गैस जो है ये ब्लीचिंग करती है, ब्लीचिंग मतलब कलर उड़ाना, डीकलराइजेशन। तो ब्लीचिंग पाउडर नाम है क्योंकि इसका यूज क्या है, सबसे ज्यादा ब्लीच करना, और ब्लीच किसके थ्रू कर रहा है, ये क्लोरीन। हालांकि ब्लीच ये ऑक्सीजन के थ्रू कर रहा है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन कहां से आएगी, क्लोरीन की वजह से बनेगी, क्लियर। तो ये क्लोरीन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा तो ब्लीचिंग पाउडर की क्वालिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब जब भी ये किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरीन गैस इवॉल्व करेगा। अब कैसे, तो आप देखो व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद H2SO4 तो कैल्शियम जो है वो सल्फेट से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा CaSO4, क्लियर, और H2 जो है वो O से कंबाइन हो जाएगा तो H2O एंड प्लस क्लोरीन। सिमिलरली ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन आप डाइल्यूट HCl से करा दो तो अगेन CaOCl2, ये कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, CaCl2, ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लेंगे तो वाटर एंड क्लोरीन गैस लिबरेटेड। नाउ स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे ब्लीच करता है, तो ब्लीचिंग पाउडर व्हेन प्लेस्ड ओपन इन एयर, तो हमें पता है कि जब हम इसे एयर में फ्री करते हैं तो ये क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करता है। अब ये क्लोरीन गैस वाटर से रिएक्ट करती है और नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि क्लोरीन प्लस वाटर, आपको समझ में आ रहा है, क्लोरीन वाटर HCl बन जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो जाएगी। हालांकि पहले ये HOCl बनाता है और उसके बाद में ये HCl बनाता है,
Clear students? So this chlorine gas further reacts with water to produce nascent oxygen. Nascent oxygen मतलब O2 नहीं, सिर्फ O. This atomic oxygen decolorizes a colored substance and this reaction is called bleaching action. और स्टूडेंट्स हमें पता था जब हम ब्लीचिंग पाउडर को एयर में फ्री करते हैं तो ये क्या करता है, क्लोरीन गैस लिबरेट करता है. ये क्लोरीन गैस जो है जब हम इसमें वाटर मिलाएंगे तो ये क्लोरीन गैस क्या बना लेगी, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन. क्लियर. अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये जब भी किसी कलर्ड सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो कलर्ड सब्सटेंस इस ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर. तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच किसके थ्रू करता है, ऑक्सीजन के थ्रू. आप देखेंगे दो तरह से ब्लीच हो सकता है, थ्रू ऑक्सीजन एंड थ्रू हाइड्रोजन. अब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के थ्रू जो ब्लीचिंग होती है दैट इज परमानेंट ब्लीचिंग. मतलब एक बार कलर उड़ गया तो वो कलर वापस रिस्टोर नहीं होगा, है ना. एक बार आपने कलर उड़ा दिया तो वो कलर वापस नहीं आएगा. लेकिन व्हेन ब्लीचिंग थ्रू हाइड्रोजन तो वो परमानेंट नहीं होता है, दैट इज टेम्परेरी. मतलब उस कलर को रिस्टोर किया जा सकता है. सो स्टूडेंट्स सिंस ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचेस थ्रू नेसेंट ऑक्सीजन सो दिस ब्लीचिंग इज परमानेंट ब्लीचिंग एंड ओरिजिनल कलर कुड नॉट बी रीस्टोर. नाउ स्टूडेंट्स यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, कलर उड़ाने के लिए, कपड़ों का कलर उड़ाने के लिए इसको सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं. फिर ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री, तो आप समझ सकते हैं कि जो वेस्ट पेपर हो सकते हैं, है ना, वेस्ट पेपर जैसे न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर जब आपने पढ़ लिया उसके बाद में वो वेस्ट हो गया तो उसका सारा इंक जो है वो उड़ाना है तो नॉर्मल आउट ऑफ कॉपीज वगैरह जो काम में लेते हैं वो न्यूज़पेपर की बनी होती तो उसके लिए भी हम उसको यूज करते हैं. फिर एज अ डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर मिला देंगे तो ये क्या करता है, जर्म्स को किल करता है. और मोस्टली इसको यूज करते हैं एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स बेकिंग सोडा. आप समझ गए बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एक ही चीज है ना. बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट. आप इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं. अब ये ईटेबल या एडिबल सोडा क्योंकि हम इसको फूड स्टफ में मिलाते हैं, है ना. अब होता क्या है जब हम केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं या ब्रेड है या पकौड़े बनाते हैं तो हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं. अब बेकिंग सोडा क्या होता है कि जैसे ही गर्म होता है जो फूड स्टफ में मिलाने के बाद हम उसे गर्म करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है तो आपका जो फूड स्टफ है वो पोरस हो जाता है. मतलब हल्के हल्के उसमें पोरस पोर्स बन जाते हैं, छेद बन जाते हैं क्योंकि गैस इवॉल्व हुई है. तो गैस इवॉल्व हुई तो जगह खाली हो गई, वहां होल्स बन गए, है ना. इस वजह से क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल आपने बनाया है बेकिंग सोडा से वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है, है ना, और खाने में और ज्यादा टेस्टी हो जाता है. नाउ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को आप कैसे बनाएंगे, तो हमने पहले भी देखा था NaCl इसी को यूज करके हम बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट. तो आपको करना क्या है, NaCl के एको सॉल्यूशन मतलब NaCl प्लस वाटर, इसके एको सॉल्यूशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करनी है. अब NaCl एको सॉल्यूशन में जब हम CO2 और अमोनिया गैस पास करेंगे तो ये अमोनिया पहले बनाएगी अमोनियम NH4 और CO2 जो है ये बनेगा कार्बोनेट CO3. तो अमोनियम NH3 और H क्या हो गया, NH4, Cl- से कंबाइन होगा तो अमोनियम क्लोराइड और आपके पास रिमेनिंग क्या है, NaH और CO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट. सो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का सबसे इजी जो मेथड है वो है वाटर ले लो, वाटर में सॉल्ट घोल दो, उसमें CO2 और अमोनिया दोनों गैसेस पास कर दो तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. सेकेंड जो प्रिपरेशन है वो है बाय पासिंग CO2 गैस इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. आपके पास सोडियम कार्बोनेट तो है, इसके एक्वा सॉल्यूशन में CO2 गैस पास कर दो तो आप देखो CO2 ऑक्सीजन ले लेगा तो क्या हो जाएगा CO3. तो आपके पास दो सोडियम है, दो कार्बोनेट है,
और दो एच भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्वाइस एन ए एच सी ओ थ्री सोडियम बाइकार्बोनेट। नाउ प्रॉपर्टीज क्या है, तो स्टूडेंट्स सोडियम बाइकार्बोनेट घर में आपने देखा होगा है ना, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कंप्लीटली नहीं घुल जाता है, बहुत कम डिजॉल्व हो जाता है ना। फिर इट्स इक्वल सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एसिडिक है या बेसिक है, तो ये हमारी प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। देखो जब सोडियम बाइकार्बोनेट में वाटर मिलाते हैं, मतलब इसको पानी में घोलते हैं, तो एक तो सोडियम OH से कंबाइन होगा, क्या बनेगा NaOH, और HCO3 H से कंबाइन होगा तो बनेगा H2CO3। यहां देख लो Na प्लस बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस, वाटर में H प्लस और OH माइनस, तो Na प्लस जो है वो OH माइनस से मिक्स हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म NaOH। सिमिलरली बाइकार्बोनेट आयन H प्लस से कंबाइन होगा, देन इट विल फॉर्म H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड एंड NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा है ना, तो जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या करेगा, अपना डोमिनेंसी रखेगा, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पहले इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर भी बेसिक नेचर मेंटेन करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है दैट इज बेसिक इन नेचर। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब आपसे पूछा जाए केक पेस्ट्री ब्रेड इन सबको फ्लफी कैसे बनाता है, तो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम इसे हीट करते हैं तो ये CO2 गैस लिबरेट करता है, तो व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड इट कन्वर्ट्स इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2, तो जो CO2 गैस निकलेगी उससे क्या हो जाएगी, पोर्स बनेंगे, पोर्स से जो भी आपका फूड स्टफ है वो फ्लफी हो जाएगा। अब इसके यूजेस क्या है, तो बेकिंग पाउडर यूज इन फूड आइटम्स, फिर सोडा वाटर में भी मिलाते हैं, कोल्ड बेवरेजेस में भी मिलाते हैं। अब ये माइल्ड एंटीसेप्टिक है ना, कहीं भी थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो हम उसकी जगह बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जर्म्स वगैरह किल कर देता है, उनको ग्रो नहीं करने देता है ना। फिर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, आपको पता है CO2 गैस लिबरेट कर रहा है, तो CO2 गैस क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर। सिमिलरली एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा जिसे बोलते हैं दैट इज वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2, तो Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, 10H2O जो है वो क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो 10 मीन्स डेका एंड वाटर मीन्स हाइड्रेट, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, यानी Na2CO3 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड है। अब हम इसे बनाएंगे कैसे, तो मोस्ट कॉमन मेथड जो इंडस्ट्रियल मेथड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है इसका, दैट इज सॉल्वे प्रोसेस है ना। और दूसरा मेथड है, तो हमने पिछली बार देखा था कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वॉशिंग सोडा में। नाउ स्टूडेंट्स ट्वाइस एन ए एच सी ओ थ्री, ये था बेकिंग सोडा, हीट करोगे तो CO2 गैस लिबरेट हो जाएगी, वाटर बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अब ये सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मॉइस्चर फ्रॉम एयर कह सकते हैं, एयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा और ये बना लेगा Na2CO3.10H2। और एयर नहीं भी है तो देखो साथ में इसके वाटर बना ही था है ना, तो ये 10 क्रिस्टलाइजेशन वाटर हमेशा अपने साथ रखता है, तो इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, तो हमें पता है वॉशिंग सोडा दिखने में कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और वॉशिंग में काम आता है मतलब वाटर सॉल्युबल तो होना ही चाहिए। अब इसका एक और सॉल्यूशन चेक करो, तो सोडियम कार्बोनेट ऑफ वाटर, तो देखो सोडियम प्लस होता है, वाटर में OH माइनस से कंबाइन होगा तो ट्वाइस NaOH और ये बनेगा H2CO3, तो NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 है वीक एसिड, तो मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट जो डोमिनेंसी होती है वो स्ट्रॉन्ग की होती, क्योंकि इसको पूरा न्यूट्रल करके खत्म कर देगा, फिर भी लास्ट में बेसिक कैरेक्टर रहेगा। तो जब हम वॉशिंग सोडा को पानी में डालते हैं तो उसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर, एल्केलाइन नेचर। क्लियर स्टूडेंट्स?
नाउ इफेक्ट ऑफ हीट, तो जब हम सोडियम कार्बोनेट डॉट -10H2 यानी वॉशिंग सोडा को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, है ना, लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 केल्विन से कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो 9 वाटर मॉलिक्यूल तो इवॉल्व हो जाते हैं, है ना, उड़ जाते हैं, इसके एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ रहता है। अब जब ये सोडियम कार्बोनेट डॉट -10H2O में से 9 तो गए, एक ही है डॉट H2O, और गर्म करते हैं मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता है, रिमेनिंग वन वाटर मॉलिक्यूल ये भी इवॉल्व हो जाता है। अब ये सिंपल सोडियम कार्बोनेट रह गया Na2CO3, इसे हम सोडा एश भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब इसके यूजेस क्या क्या है, तो देखो एक तो सबसे ज्यादा इसका यूज कहां हो गया, वॉशिंग इंडस्ट्री में क्लीनिंग पर्पस के लिए, फिर अगर आपको कॉस्टिक सोडा बनाना है, बेकिंग सोडा बनाना है ना, ग्लास इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, बोरिक्स बनाना है, तो वहां सबको सोडियम कार्बोनेट चाहिए, फिर एज अ डिटर्जेंट और एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे हम POP भी बोलते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसका फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2, यानी कैल्शियम सल्फेट, और हाफ मतलब आधा वाटर मॉलिक्यूल है, तो हाफ यानी हेमी एंड हाइड्रेट यानी वाटर, तो केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्लियर। अब इसको सबसे पहले जो हमने बनाया था वो बनाया था जिप्सम से, है ना, जिप्सम को अगर आप हीट करेंगे तो उसका वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएगा और ये बनाएगा पीओपी, ठीक है। और सबसे पहले इसको बनाया था पेरिस में, है ना, कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो पेरिस में बनाने की वजह से इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दिया गया। और स्टूडेंट्स, जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 ट्वाइस CaSO4 डॉट 2H2O, मतलब जिप्सम होता है एक कैल्शियम सल्फेट पे दो वाटर, और आपने यहां लिखा है ट्वाइस कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस है, तो वाटर कितने हो गए, 4 होने चाहिए, है ना, एक पे दो होते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये आपका जिप्सम है, अगर मैंने यहां ट्वाइस कर दिया तो ये अपने आप ट्वाइस हो जाए, क्लियर। तो जब हम जिप्सम को 393 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये क्या करेगा, या 4 वाटर है ना, तो 3 वाटर इवॉल्व हो जाएंगे, तो कितना रह जाएगा, एक वाटर रह जाएगा, तो CaSO4 whole 2 dot H2, या दो कैल्शियम सल्फेट पे एक वाटर रहेगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या था, CaSO4 dot half H2, एक कैल्शियम सल्फेट पे अगर आधा वाटर है ना, या मैं कह दूं कि दो पे कितना है, एक है, तो बात तो वही है ना, CaSO4 whole 2 मतलब दो कैल्शियम सल्फेट, इसपे एक वाटर मॉलिक्यूल है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जिप्सम को जब आप 393 केल्विन पे हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पीओपी बाय लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करते हैं तो ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसके पास कितने हैं, एक के पास हाफ है, या दो के पास कितना है, 1 है, तो ये सारा का सारा क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो इवॉल्व हो जाता है, एस्केप हो जाता है, और आपको सिंपल कैल्शियम सल्फेट मिलता है जो बहुत हार्ड होता है, इसे हम कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर, दैट इज CaSO4। सो व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड फर्दर देन इट्स कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर एस्केप्ड एंड डेड बर्न्ड प्लास्टर इज ऑब्टेन्ड, दैट इज CaSO4। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा है, व्हाइट स्मूथ सॉलिड सब्सटेंस, आपने पीओपी के स्टैच्यूज भी देखे होंगे, है ना, और जब फ्रैक्चर हो जाता है तब भी पीओपी प्लास्टर चढ़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, तो बिल्कुल व्हाइट होता है, एकदम स्मूथ होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब हार्ड होता है, लेकिन टच करने पर एकदम स्मूथ होता है। नाउ इट बिकम्स सॉलिड एंड हार्ड ऑन मिक्सिंग विद वॉटर विद इन 15 to 20 minutes, है ना, 15 से 20 मिनट में जब आप इसको पानी के साथ मिक्स करेंगे तो एकदम हार्ड सॉलिड मास बना देगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 dot half H2। अब इसका यूजेस क्या है, तो हम देखते हैं कि ये बोन्स को ज्वाइन करने के, फ्रैक्चर्ड बोन्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है,
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनते हैं इसके, फिर स्टैच्यूज बनते हैं, और फायर प्रूफ मटीरियल बनाना हो है ना, बिल्कुल जैसे मिट्टी होती है वैसा है, तो फायर प्रूफ मटीरियल बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। अब स्टूडेंट्स जब इसे हम क्या करते हैं वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमने देखा ये 15 to 20 मिनट्स में हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में इसका यहाँ रिएक्शन है CaSO4.5H2O। अब अगर मैं इसमें 3/2H2O और मिला दू देन इट विल बी CaSO4.2H2O, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। क्लियर? तो ये हार्ड सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि जो पीओपी है वो वाटर में मिक्स होगा तो जिप्सम बन जाएगा, और जिप्सम को 393 केल्विन पे हीट करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा पीओपी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना।